हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं कढ़ाई वाले सूट की कटिंग। तो सबसे पहले हम कपड़े को इस तरह से हमने लेस को निकाल लिया कपड़े में से, और इस तरह से कपड़े को दो फोल्ड में मोड़ेंगे इस तरह से और बराबर कर लेंगे। और बूटी को देख लेना है, बूटी में बूटी आना चाहिए, तभी हमारा सूट की कटिंग बराबर से होगा। सबसे पहले हम लंबाई नाप लेते हैं। लंबाई है हमारा 33 है, तो 35.5 है और मार्क करेंगे और 1 इंच नीचे मोड़ने के लिए करेंगे मार्क। इस मार्क को हम बराबर कर लेंगे और 1 इंच नीचे से इस वाली मार्क को भी बराबर कर लेंगे। 2.5 इंच हमारा गले की चौड़ाई है, शोल्डर है हमारा 1.25, और यहाँ से हम 1/2 इंच डाउन करेंगे और इस वाली मार्क को बराबर कर लेंगे। डाउन वाले मार्क से 5.5 इंच पे आर्मोल के लिए मार्क करेंगे। ये हमारा चेस्ट का सीने का 1.5 इंच मार्जिन और ये शोल्डर के बराबर वाला मार्क है। यहाँ से हमारे पीछे वाले पार्ट की कटिंग होगी और आगे वाले पार्ट के लिए हम 1 इंच अंदर से मार्क करेंगे और इसे भी इस तरह से सीधी खींच लेंगे। और यहाँ से हम 1 इंच पर आर्म होल का शेप देंगे और पीछे वाले पार्ट के लिए भी यहाँ से इस तरह से मार्क करेंगे। हिप है हमारा 19 इंच पर, तो इन 19 इंच पे मार्क करेंगे। 14 इंच पे हमारा कमर होगा, यहाँ हमारा कमर है 14.5, 14.5 का आधा 7.5, 1.5 इंच मार्जिन, यहाँ से हमारा 8.5 और 1 इंच मोड़ने के लिए। यहाँ पर घेर है हमारा 18 इंच, 18 का आधा 9, और ये हमारा सिलाई वाला मार्क है और 1 इंच अधिक ये मोड़ने वाला मार्क है। इस वाली लाइन को भी मिला देंगे, यहाँ से हमारी सिलाई होगी। ये हमारा मार्जिन है, यहाँ से हमारा कटिंग है। अब हम सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं शोल्डर की तरफ से और पीछे वाला पार्ट वाले आर्म होल को कटिंग करेंगे इस तरह से। इधर से भी कटिंग करके हम कपड़े को हटा देंगे। मोड़ने वाला कट लगेगा, ये यहाँ से भी हमारा कट लगेगा जहाँ से हम बराबर बैठा सकेंगे कपड़े को। ये हमारा पीछे वाला पार्ट के लिए कपड़े को दो फोल्ड में मोड़ लिया है हमने, और यहाँ से 1.5 इंच ऊपर को मार्क करेंगे। पीछे वाला पार्ट हम 1.5 इंच बड़ा रखते हैं, 2.5 इंच गले की चौड़ाई है और 1 इंच पीछे वाले पार्ट में गले को गहरा करना है। तो गले के गहराई हमने दे दी है और ये हमारे पीछे वाले पार्ट को सही मार्क हुआ। यहाँ से हम आगे वाले पार्ट के बराबर से ही कटिंग कर लेंगे। बराबर बराबर से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसमें भी कट लगा देंगे। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए भी हमने कपड़ा ये दो फोल्ड
और ये चार फोल्ड में बाजू के लिए हमें कपड़ा मोड़ना होता है। ये बराबर के लिए मार्क है और एक इंच मोड़ने के लिए, इसको हमने सीधी कर लिया। 15 इंच हमारा बाजू की लंबाई 15.5 से मार्क करेंगे। यहाँ भी 15.5 पर मार्क कर लेंगे। 3 इंच यहाँ से कम रखेंगे, लंबी बाजू है। यहाँ हम 5.5 से आर्महोल कटिंग किया है, तो 5.5 1 इंच अधिक और 1.5 इंच मार्जिन के लिए। यहाँ पर मोहरी रखेंगे 4.25 इंच 1.5 इंच मार्जिन के लिए और सिलाई वाले मार्क को इस तरह से खींच लेंगे। ये हमारा कटिंग वाला मार्क है, यहाँ से हम कपड़े को कट करेंगे और ये हमारा बाजू का शेप यहाँ से दे देंगे और 1 इंच को आगे वाले पार्ट में गहराई देंगे। बाजू की इस तरह से कटिंग कर लेंगे। बाजू को खोल लिया है और दो केवल आगे के पार्ट में ही कटिंग करेंगे। ये गहराई वाला तो हमारे सूट की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सबसे पहले कपड़े को लेके जो बीच में हम मार्क कर देंगे। यहाँ हम बकरम नहीं लगा रहे हैं, इसलिए हमारा कढ़ाई वाला सूट है, इसीलिए इसमें भी मार्क कर लिया है। सीधी तरफ से रखेंगे और कपड़े को ऊपर से रख के इस तरह से मार्क के ऊपर सिलाई लगा देंगे, इसलिए कि हमारा कपड़ा सरकेगा नहीं। अब हम सूट के उल्टी तरफ से सबसे पहले 3 इंच पर हमारा कलर लगेगा, तो 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। इधर भी 3 इंच पर मार्क कर लेंगे। गले का चौड़ाई जितना है उतने पर मार्क कर लेंगे, जिससे हमारा गला इधर उधर नहीं सरकेगा। जो जहाँ 3 इंच मार्क किया था वहां से हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को देखते हुए इस तरह से फिनिशिंग से अब हम गले को इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके उल्टी तरफ मोड़ते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई हो गई है। अब हम कपड़े को सीधा करेंगे और पट्टी को उल्टी तरफ मोड़ते हुए और इसको कॉर्नर को निकालते हुए ऊपर से सिलाई लगा लेंगे, बिल्कुल किनारे किनारे पर इस तरह से। दोस्तों इस तरह से कढ़ाई वाले सूट में पट्टी लगाते हैं। शोल्डर को ज्वाइन करेंगे। सिलाई को हम डबल कर लेंगे इस तरह से।
कॉलर का शेप देंगे कटिंग कर। ये हमारा कटिंग हो गया, कपड़े के ऊपर रख के एक पैर का सिलाई लगा देंगे इस तरह से। सिलाई हमारी लग चुकी है और एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर लेते हैं और इस तरह से। बिल्कुल आसान तरीका है ये कॉलर लगाने का। यहाँ से हम सिलाई पक्का करते हुए शेप के हिसाब से सिलाई लगाने का, दूसरी साइड भी हम उसी तरह से कपड़ा बराबर करते हुए शेप के अनुसार सिलाई लगा लेंगे। सिलाई को पक्का कर लेंगे इस तरह से, कपड़े की कटिंग कर लेंगे। अब हम जितना कपड़ा सिलाई में लेते हैं अपने हिसाब से उतना कपड़ा छोड़ते हुए कपड़े को कटिंग कर लेंगे। अब हम कॉलर सीधी करते हैं और बीचों बीच में कट लगा देते हैं। पीछे वाले पार्ट में भी बीचों बीच में कट लगा लेंगे, जिससे हमारे कलर बराबर बैठेगी। सबसे पहले हम सूट वाले कपड़े को उल्टी तरफ से लेते हैं, इस तरह से नापते हुए बराबर बैठ रहा है। तो यहाँ से हम कॉलर ज्वाइंट करेंगे, सिलाई पक्का करेंगे। हमारा कट के सामने कट आ गया है। यहाँ से भी हम कॉलर को बराबर नापते हुए, हमारा कॉलर बराबर बैठ रहा है। तो यहाँ से सिलाई लगाने धागे को कट कर लेंगे। अब हम यहाँ कपड़े को सीधा करेंगे। अब हम कॉलर को सीधी तरफ से सिलाई करेंगे इस तरह से। उसी तरह से चलाएंगे और धागे को कट कर लेंगे। अब हमारा कलर लग चुका है। अब हम बाजू बनाएंगे। सबसे पहले जहाँ से लगाया था वहाँ से बनते हैं सिलाई को लगा लेंगे। दूसरे वाले बाजू को दो पल्ले में कपड़े को मोड़ेंगे, किनारे किनारे में सिलाई वाले बाजू पर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई लगाते जाएंगे। इसी तरह से दूसरे वाले बाजू पर भी सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे और यहाँ से बाजू की हम जोड़ेंगे। इस तरह से हमने एक बाजू को जोड़ लिया है, दूसरी बाजू को जोड़ेंगे दूसरी तरफ से इस तरह से। अब हम सिलाई को डबल कर लेंगे। बाजू पर भी सिलाई को डबल कर लेंगे हम।
दूसरे साइड सिलाई लगाने के लिए यहाँ पर हम चाक लगाएंगे इस तरह से फिटिंग हमारी अच्छी आती है, सिलाई हमारा इधर उधर नहीं होता है। दूसरी तरफ हम इस तरह से उसके ऊपर पलट के रख लेंगे कपड़े को और हाथों से थपथपा देंगे जिससे हमारे कपड़े देखिए इस तरह से। अब हम यहाँ से धागे को पकड़ करके इसी मार्ग पर सिलाई चलाते जाएंगे, मार्ग इधर उधर नहीं होगा। इस तरह से जब हम चाक लगा के सिलाई लगाते हैं तो हमारे सूट की सिलाई अच्छी आती है। इस तरह से अब हम यहाँ से फिर से सिलाई लगा के डबल कर लेते हैं सिलाई को। दूसरी तरफ भी सिलाई डबल कर लेते हैं। सिलाई पकड़ करके धागे को कट कर लेते हैं और हम यहाँ से कपड़े को कट कर लेते हैं जिससे हमारा सूट नहीं छोड़ेगा। अब हम चाक को मोड़ेंगे इस तरह से, किनारे किनारे पर सिलाई लगाते जाएंगे। कपड़े को मोड़ते हुए इस तरह से यहाँ पर सिलाई चलाते हुए किनारे पर आ जाएंगे और यहाँ से भी मोड़ते हुए सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगा लेंगे मोड़ते हुए चाक को इस तरह से, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारा चाक फोल हो गया है। अब हम सिलाई को डबल करेंगे किनारे की तरफ से, बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई चला लेंगे इस तरह से, चारों घुमा बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगाएंगे। किनारे की सिलाई लग गई है, अब यहाँ से हम लेस लगाएंगे, लेस को मोड़ लेंगे और नीचे की
की तरफ से सिलाई लगाएं इस तरह से कपड़े के बराबर लैस को रखते हुए सिलाई लगाते हुए यहाँ से इस तरह से सिलाई को हम लगा लेंगे चारों तरफ से। इस तरह से हमारे सूट की सिलाई पूरी हो गई है। और फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर से।